सर्कल के डायामीटर और उसके सर्कमफ्रेंस यानी उसके आउटर रिंग के बीच जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डायामीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं और ये जो आउटर रिंग है, सर्कमफ्रेंस है, उसको हिंदी में हम परिधि कहते हैं। तो ये व्यास और परिधि के बीच जो संबंध होता है उस पे आज हम चर्चा करेंगे। जब हमारे पूर्वजों ने पहिए का आविष्कार किया तो उनके सामने एक समस्या आई। वो समस्या थी इस पहिए को पूरी तरह से गोल कैसे बनाया जाए, इस पहिए को पूरी तरह से गोल कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढा पाई के रूप में। इस समस्या का समाधान ढूंढा पाई के रूप में। पाई जिसका वैल्यू यानी मान होता है 3.14। याद रखिए, पाई का वैल्यू होता है 3.14। पाई एक रेशियो है, पाई एक रेशियो है किसी भी सर्कल के डायामीटर और उसके सर्कमफ्रेंस के बीच का रेशियो है पाई। यदि किसी भी सर्कल का डायामीटर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इस सर्कल का डायामीटर 3.5 मीटर, इस सर्कल का डायामीटर 2 मीटर, तो किसी भी सर्कल का डायामीटर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है वो उस डायामीटर के 3.14 गुना ज्यादा होता है। किसी भी सर्कल के डायामीटर के माप के 3.14 गुना ज्यादा होता है। यहाँ पे इस सर्कल में 3.5 × 3.14 है, यहाँ पे डायमीटर बदला 2 × 3.14, मतलब किसी भी सर्कल के डायमीटर को 3.14 टाइम बढ़ाया जाए तो उसका सर्कमफ्रेंस या परिधि निकल आता है और वो आकृति पूरी तरह से गोल बन जाती है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, इस सर्कल का डायामीटर है 3.5 मीटर, तो इसका सर्कमफ्रेंस यानी परिधि निकाले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायामीटर को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सर्कमफ्रेंस निकल आएगा, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो डायामीटर जो सर्कमफ्रेंस होता है वो डायामीटर से 3.14 गुना ज्यादा होता है। इसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, इसका डायामीटर है 3.5 मीटर, यहाँ पे लिख लिया 3.5 मीटर, और इसका सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम इस वैल्यू, इस पाई का वैल्यू लिख लेते हैं। और यहाँ तो जब हम 3.5 × 3.14 करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आता है 109 9 0, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बबाद कुल डिजिट कितने हैं? 3 डिजिट है। तो यहाँ पे हम डेसिमल 3 डिजिट से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा दें। डेसिमल के बाद
जीरो को ऐड या रिमूव करने से उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेन पॉइंट नाइन मीटर। इस तरह से हम किसी भी डायमीटर से उसके परिधि का माप पाई के द्वारा निकाल सकते हैं।